हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग घर में अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण पढ़ेंगे सबके आसपास किताब में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हमने पार्ट 5 भोलू के अजायब दुनिया में ये होमवर्क में कंप्लीट किया था। आप नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज में देखना पढ़ना है हमको भोलू। हाथी दादा, अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। हाथी बेटा, भोलू प्राणियों एवं वनस्पतियों में बहुत सी बातों में विविधता देखने को मिलती है। देखो स्टूडेंट्स, भोलू क्या कहता है, हाथी दादा अब तो मुझे सब अच्छी तरह समझ में आ गया है। तब हाथी कहता है, भोलू प्राणियों और वनस्पतियों में बहुत ही विविधता होती है, मतलब बहुत ही अंतर होता है। भोलू कहता है, हाँ दादा, बाह्य रूप निवास सभी में कितनी विभिन्नता है। मतलब वो कहता है भोलू कि हाँ, मतलब बाह्य रूप मतलब उनका रूप रंग और निवास मतलब रहने का स्थान भी सबका अलग अलग होता है ना। तो हाथी कहता है, केवल बाह्य रूप और निवास की दृष्टि से ही नहीं, उपयोग की दृष्टि से भी हमारे अंदर विविधता है। फिर हाथी क्या कहता है, केवल बाहर से दिखाई देने वाली मतलब बाहर से दिखाई देने वाली सुंदरता और रहने वाले जगह ही नहीं, बल्कि उपयोग में आने वाली सभी चीजों में विविधता होती है। सभी चीजें सबकी अलग अलग होती है। ओके, फिर देखिए आगे दिया गया है चर्चा में दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं के नाम। इधर हमको दिया गया दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या उपयोगी वस्तु है उनके नाम, किसके पास से वह वस्तु मिली है। अच्छा देखो, इसमें दैनिक जीवन में जो हमारे दैनिक जीवन में जो जरूरी वस्तु उनके नाम लिखने हैं हमको इधर, और वो हमको किस में से मिलती है, वनस्पति में से या प्राणी में से, उसमें हमको सही गलत का निशान करना है। ओके, देखो चलो पहले क्या है, रोटी। रोटी हमें किस में से मिलती है, वनस्पति में से या प्राणी में से, तो वनस्पति में, तो हम वनस्पति में राइट करेंगे, प्राणी में रॉन्ग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फल। फल हमें किस में से मिलता है, वनस्पति में से या प्राणी में से, तो फल हमें वनस्पति में से मिलता है, तो हम वनस्पति में सही करेंगे और प्राणी में गलत। थर्ड नंबर पे है लकड़ी की मेज। लकड़ी की मेज हमें किससे मिलती है, वनस्पति से या प्राणी से, तो वनस्पति से मिलते हैं, तो हम वनस्पति में सही करेंगे और प्राणी में गलत करेंगे। चौथे नंबर पे है ऊन। ऊन हमें किस में से मिलती है, वनस्पति में से या प्राणी में से, तो हमें ऊन वनस्पति में से नहीं मिलती, प्राणी में से मिलती है ना, तो हम इसमें वनस्पति में गलत करेंगे और प्राणी में सही करेंगे। ओके, फिर देखो आगे है दूध। अब दूध हमें किस चीज से मिलता है, वनस्पति से या प्राणी से, तो हमें दूध किससे मिलता है, वनस्पति से नहीं मिलता है, दूध हमें प्राणियों से मिलता है। ओके, तो हम वनस्पति में गलत करेंगे और प्राणी में सही करेंगे। उसके बाद है सब्जी। अब सब्जी हमें किस में से मिलती है, सब्जी हमें वनस्पति में से मिलती है, इसलिए वनस्पति में हम सही करेंगे और प्राणी में गलत करेंगे, क्योंकि सब्जी हमें प्राणियों से नहीं मिलती है। फिर उसके बाद है कपड़े। अब कपड़े किससे मिलते हैं, वनस्पति या प्राणी से, तो कपड़े हमें वनस्पति में से मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वनस्पति से हमें कपास मिलता है और कपास में से कपड़े बनते हैं, तो हमें कपड़े वनस्पति से मिलते हैं, प्राणियों से हमें कपड़े नहीं मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखो नेक्स्ट है चमड़ा। अब चमड़े से हमारे जूते चप्पल बनाए जाते हैं। चमड़े से क्या बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, हमारे जूते चप्पल, तो ये भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, इसलिए वो हमें किस में से मिलता है, प्राणी में से या वनस्पति में से, तो चमड़ा हमें मिलता है प्राणी में से। ओके, तो हम चमड़े में वनस्पति में गलत करेंगे और प्राणी में सही करेंगे। ओके, क्योंकि चमड़ा हमें प्राणियों से मिलता है, वनस्पति से हमें चमड़ा नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है अंडा। अंडा भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत जरूरी होता है। अंडा है वो किस में से मिलता है हमको, वनस्पति में से या प्राणी में से, तो अंडा हमें मिलता है प्राणी में से। किससे मिलता है स्टूडेंट्स, हमें अंडा प्राणी में से मिलता है, तो हम प्राणी में सही करेंगे और वनस्पति में गलत करेंगे। अब मांस। अब मांस भी हमारे लाइफ में जरूरी होता है। मांस है, मांस वनस्पति से मिलता है या प्राणी से मिलता है, तो हमें मांस कहाँ से मिलता है, प्राणी में से मिलता है, तो हम वनस्पति को गलत करेंगे और प्राणी में सही करेंगे। उसके बाद है फूल। फूल है, फूल में से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं,
तो फूल वनस्पति में से मिलते हैं या प्राणी में से? तो फूल हमें मिलते हैं वनस्पति में से, प्राणी से हमें फूल मिलते हैं कभी नहीं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको? ओके, रोटी सही गलत, फल सही गलत, लकड़ी की मेज सही गलत, ऊन गलत सही, दूध गलत सही, सब्जी सही गलत, कपड़े सही गलत, चमड़ा गलत सही, अंडा गलत सही, मांस गलत सही, और फूल सही गलत। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट पेज, देखो आगे क्या है, वृक्षों की उपयोगिता और प्राणियों की उपयोगिता। चलो अब हम जानेंगे वृक्ष की उपयोगिता और प्राणियों की उपयोगिता। दो मित्र थे, उन्होंने विद्यालय में नीम का पौधा लगाना निश्चित किया। पौधे की रोपाई की। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बकरी इस पौधे को खाने जा रही थी। दोनों मित्रों ने तत्काल इस पौधे को चारों ओर से घेरा बना दिया। इस पौधे की रक्षा की ऐसा कहा जाएगा। पौधे को तैयार करने के लिए खाद, पानी एवं गुड़ाई करना, पौधे का संवर्धन करना कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमको इधर समझाया गया पेड़ की, वृक्षों की उपयोगिता। देखो दो मित्र थे, उन्होंने अपने विद्यालय में नीम का पौधा लगाया और उन्होंने देखा कि एक दिन उस नीम के पौधे को खाने के लिए एक बकरी आई। तब उन्होंने क्या किया, उस बकरी से अपने वृक्ष को बचा लिया। तो इसे पौधों की रक्षा करना कहा जाएगा। और पौधे को तैयार करने के लिए खाद, पानी एवं गुड़ाई की आवश्यकता होती है, इसे क्या कहा जाता है, संवर्धन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हाथी। भोलू, अब समझ में आया होगा कि संरक्षण और संवर्धन किसे कहते हैं। फिर हाथी क्या कहता है, भोलू अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि संरक्षण और संवर्धन किसे कहते हैं। भोलू, हाँ हाथी दादा, अब ठीक तरह से समझ में आ गया। हाथी, तो अब कहो हमारे संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या करोगे। भोलू, बोलिए दादा क्या करना चाहिए। हाथी, अपने मित्रों के साथ स्वयं चर्चा करके स्वयं ही नोट करना। भोलू, हाँ आइएगा हाथी दादा। ठीक है, फिर हमको इधर लिखना है नीचे पेड़ के संरक्षण के लिए हम क्या क्या करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आप क्या करोगे, पहले पेड़ों के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ों के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों के संरक्षण के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। सेकेंड नंबर, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। थर्ड नंबर, समय से इन पौधों की सिंचाई करनी चाहिए। फोर नंबर, पेड़ों में खाद और डालना चाहिए, खाद डालना चाहिए। फाइव नंबर, पेड़ों को स्कूल घर के आसपास इनका संग्रह करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखो इधर हमने पेड़ के बारे में लिखा है कि पेड़ों को संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, समय से इन पौधों की सिंचाई करनी चाहिए, पेड़ों में खाद और डालना चाहिए, और पेड़ों को स्कूल और घर के आसपास इनका संग्रह करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखो दूसरे पेज में देखिए, सोच कर कहिए आपने विद्यालय में कौन कौन से पौधे लगाए हैं। अब ये आपको सोच कर कहना है कि आपने विद्यालय में कौन कौन से पौधे लगाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन पौधों को लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। फिर इन पौधों को, अगर आपको स्कूल में ये पौधे लगाने हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो भी हमको यहाँ पर सोच कर लिखना है। चिड़िया घर में कौन कौन से प्राणी होते हैं। ओके, देखो थर्ड नंबर में हमको पूछा गया है कि चिड़िया घर में कौन कौन से प्राणी होते हैं, तब हमको लिखना है कि चिड़ियाघर में कौन कौन से प्राणी होते हैं। तो आप लोग को पता होगा बच्चों, चिड़ियाघर में जो उड़ते हैं सभी वही वाले प्राणी होते हैं। चिड़ियाघर के बारे में हमको सब इधर लिखना है। ओके, जानकारी देनी है। चर्चा, अभ्यारण, चिड़ियाघर और पौध संवर्धन केंद्र। क्रियाकलाप, देखो हम क्रियाकलाप करेंगे। आइए मित्रों, अपने शिक्षक की सहायता से पपेट कठपुतली तैयार करके पपेट शो कीजिए। अपने मनपसंद वनस्पति के पत्ते की छपाई कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको होमवर्क करना है। अपने मनपसंद पत्ते, मतलब जो आपके पसंद के वो पत्ते, उनकी छपाई आपको करनी है। देखो यहाँ पे तीन बॉक्स दिए गए हैं, तीनों बॉक्स में आपको पसंद की छपाई करनी है। ओके स्टूडेंट्स,
यहाँ पे देखो आपके मनपसंद पत्तों की छपाई करना, यहाँ पे एक पत्ते की छपाई करना और उसके नाम पत्ते का नाम लिखना, यहाँ पे दूसरे पत्ते की छपाई करना उसका नाम लिखना, यहाँ पे तीसरे पत्ते की छपाई करना और यहाँ पे नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया आपको होमवर्क में आज क्या करना है, अपने मनपसंद वनस्पति के पत्तों की छपाई आपको इन तीनों बॉक्स में करनी है और इधर नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो पर्यावरण की सुरक्षा उत्तम शिक्षा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हमने पार्ट पांच हमारा भोलू की अजायब दुनिया कंप्लीट कर लिया है। अब आपको होमवर्क में अपनी किताब में पेज नंबर 45 तक कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।